हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज के दिन हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपने घर का इंटीरियर फुल्ली कंप्लीट कर लिया था, और ये रहा मेरा पूरा, क्या है इसको, मैंने क्या बोल सकता हूँ, हाँ याद आ गया, ये मेरा पूरा वर्किंग एरिया है। ये हो गया एनविल, ये ब्लास्ट फर्नेस, ये क्राफ्टिंग टेबल, ये कार्टोग्राफी टेबल, फर्नेस स्मोकर, सॉरी ये रहा फर्नेस। तो ये क्या है, हाँ ये ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, सही है। ये स्मिथिंग टेबल है, फ्रेचिंग टेबल है, भाई फ्रेचिंग टेबल का कोई काम नहीं देता है जितना। और ये है मेरा पूरा आर्मर सेट, ये है नेदर का, नेदराइट का, ये हो जाएगा मेरा डायमंड का, ये है गोल्ड का, और ये है आयरन का। तो गाइस, अगर मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिलेंगे कैसे। इसलिए जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, ठीक है। आज की वीडियो का हम लोग का टॉपिक है वो है एक आयरन फार्म बनाना, जो कि बहुत बेसिक फार्म होगा, कुछ खास तगड़ा नहीं होगा, बहुत बेसिक फार्म होगा। लेकिन सबसे पहले उससे पहले हमको एक काम मुझे करना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल है। गाइज, अभी मैं थोड़ा सा अपने घर को थोड़ा सा अपग्रेडिंग करूँगा, और यहाँ पे ये मेरे फिश टैंक है जिसमें फिशेज रह रही हैं, और मेरा वाटर बकेट भी चल रहा है इसके अंदर। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ इसको, ये रहा मेरा, देखो ये अगर मैं अभी ये कोना में देखो, ये अब फुल्ली चल रहा है सही से, चलेगा ही नहीं। अब मैं ये रहा मेरा बेडिंग एरिया, यहाँ पे मैं रोज को आकर सो जाता हूँ। और एक बात और, मैं अभी अपने आप को फुल्ली यहाँ पे से एक कारपेटिंग करने वाला हूँ जो कि बहुत मस्त रहेगा। जो डिज़ाइन मैंने ऊपर दिया था वो मैं यहाँ नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे ब्लैक कारपेट ले लेते हैं, ब्राउन नहीं नहीं भाई, हाँ ब्राउन कारपेट चलेगा, ये ग्रे कारपेट, ठीक है। तीन रवि कारपेट चाहिए जो कि मेरे को बहुत मस्त लगते हैं ये वाले। कुछ इस तरीके से मेरे को इसको ऐसे कवर करते जाना है, थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे 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 लेके जाना है। अरे भाई ऐसे नहीं, यहाँ पर नहीं, ये ले लिया, ये ऐसे ले लिया, ये डिज़ाइन यहाँ तक लेके जाऊँगा मैं, लग जा सेम लग। अरे भाई यहाँ नहीं रखना था, हाँ ये लग गया, ये ब्लैक डिज़ाइनिंग। अब इन इन यहाँ अब यहाँ से भी लगा के आना है हमें, यहाँ से भी ब्लैक, मतलब जो आउटलाइनिंग रहेगी एक अलग डिज़ाइन ही देगी, ठीक है। जो आउटलाइनिंग होगी वो ब्लैक की, से सेंट्रल्स में कुछ कुछ जो पार्ट रहेंगे उसमें मैं ग्रे और ब्राउन कारपेट का यूज़ करूँगा, मतलब एक लाइन में ग्रे कारपेट, एक लाइन में ब्राउन कारपेट, ताकि इसका जो डिज़ाइन हो वो थोड़ा सा मस्त लगे। इसलिए मैं यहाँ से इसको फटाक से यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे। ओ भाई ब्रेक नहीं करना, सब ब्रेक कर देता हूँ, हट जा सिम। अब यहाँ पे मैं करता हूँ आधा काम, अब यहाँ पे फटाक से जोर से एकदम बनाना, फटाक से स्पीड। अरे नहीं भाई साहब, अब मतलब क्या, मैं काम के नशे में इतना पड़ रहा हूँ था कि मैं इसे कर भी नहीं पा रहा था। अरे ठीक है, उतना मेरे पास सोचना नहीं है, मेरे पास सोचने का उतना टाइम नहीं है। यार कारपेट इस पर भी लगते हैं क्या, नहीं नहीं गलत डिज़ाइन है, बेकार कारपेट है। टेस्टिंग करने लगा मैं, क्योंकि लगा कि कारपेट इस पर भी लगता है। मैं अभी दूसरे गेम की सोच रहा था, कि क्योंकि मैं एक दो दिन से गेम खेल रहा हूँ डूड थेफ्ट वॉर्स, में हर एक चीज़ घर पे कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये फुल्ली ओपन वर्ल्ड गेम है, इसमें आप कुछ भी मतलब कर सकते हैं। लेकिन ये जो गेम है ना वो सैंड बॉक्स है। अब बहुत सारे दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा कि सैंड बॉक्स का मतलब क्या होता है भाई। अब सैंड बॉक्स का मतलब होता है कि आपको ये थोड़ा सा ना ये रेट्रो टाइप का, नहीं रेट्रो नहीं, मतलब थोड़ा सा ये पेपर्ड गेम रहेगा, ये आपका जो कैरेक्टर रहेगा ना वो थोड़ा सा पेपर्ड रहेगा। जैसे जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे इसको, आपको अपना ये आप ये, लेकिन आपका एक प्रॉब्लम है, ये FPP गेम है, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लेइंग गेम है, मतलब इसका जो व्यू होगा ना वो कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। हम लोग में तो थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन व्यू भी चल जाता है, और लेकिन इसमें बस FPP चलता है, फर्स्ट पर्सन प्लेइंग व्यू, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं फिर से अभी कवर कर रहा हूँ, और जब तक मैं इसको कवर करता हूँ तब तक आप जाके मेरे चैनल को फुली सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने आते आते हमारे न्यू वीडियोस को चैनल पे मैं मिलते रहे आपको अपडेट्स। इसलिए जल्दी से जाओ और स्टार्ट कर दो। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, अरे भाई थोड़ा सा हो जा, हाँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये नहीं होगा, फिर यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि लेके जाना है ना मेरे को फुली ऐसे कंप्लीट। अरे भाई यहाँ नहीं लगना है, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ,
ठीक है, ये हो गया मेरा इतना, ये इतना मैंने कर दिया, ये मेरा इतना हो गया। डिज़ाइनिंग तो से चल रही है, तो अगला ब्लॉक होगा ये, फिर अगला ब्लॉक वो, वहाँ से मैं लेते गया तो ये, मतलब यहाँ पे एक लगेगा और एक यहाँ पे, ठीक है। इतना डिज़ाइन तो मैं, क्योंकि ये जो एक्वायरियम है ना, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि एकदम बेकार लुक दे रही है। ऊपर से सारे मछलियाँ ऊपर नहीं घूमेंगी, नीचे नहीं, मेरे को नीचे ही रहना है। कुछ इस तरीके का दिमाग यार, मैं चेस प्लेइंग लग रहा है, लग रहा है चेस का बोर्ड ले, चेस एरिया लगाएंगे ना, चेस। हाँ, चेस डिज़ाइन सुंदर है, चेस डिज़ाइन आज रखेंगे, इसको और ना ऐड नहीं करूँगा मैं, छोड़ो। अब मैं कोई ग्रे कारपेट वारपेट नहीं लगाने वाला, चेस डिज़ाइन मस्त है, चेस का डिज़ाइन फुल्ली रहेगा। अब रात तो हो रही है, सबसे पहले तो मैं जाकर यहाँ पे सोने वाला हूँ, सो जाओ, आज की रात तो ऐसे ही बीत जाएगी। गाइस, आ गए हम लोग वापस अगले दिन यहाँ से सलांगर के सिंपली। आज हम लोग बनारसी तो बनाने जा रहे हैं अपना आयरन फार्म। उसके लिए मेरे को एक जगह चाहिए होगी जो कि बहुत इजी होगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह से तोड़ फाड़ लेता हूँ ताकि बने मस्त वाला। इसके लिए मेरे को कुछ सामान चाहिए होगा जो कि बहुत ज़रूरी सामान है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं इन सारे सारे को सामान एक चेस्ट में रखवा देता हूँ जहाँ सर। हाँ, वो बेड के नीचे वाला, ये टीवी के नीचे वाला चेस्ट और सल्कर बॉक्स है ना, उसके अंदर उसको डलवा देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी चले। ये रहा मेरा चेस्ट और सल्कर बॉक्स एरिया, इस सल्कर बॉक्स में सबको लोड करवा देता हूँ क्योंकि सामान इसमें अंदर चल ही जाएगा। अरे भाई चल जा, हाँ लग गया, चला गया। जाओ भाई जाओ, यहाँ पे जाओ जाओ जाओ, अरे भाई चल जा यार, मेरा इतना ये अच्छा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है भाई। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ यार, मेरा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। निकल 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 निकल, मेरा इन्वेंट्री पूरा खाली करना पड़ेगा यार, ये तो प्रॉब्लम ही कर रहा है मेरे को। इन टैब्स से प्रॉब्लम हो रही है, जो टैब्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे उनसे मेरे को। ये सल्कर बॉक्स नहीं अंदर जाता है। अच्छा छोड़ो, ये चेस्ट के अंदर इसको डाल के चला गया। वाह वाह, शल्कर बॉक्स के अंदर शल्कर बॉक्स नहीं जा सकता है, इतना बेसिक चीज़ आज तक मैंने नहीं देखा था। अच्छा मैं इसको कवर करने वाला हूँ, तो इसके लिए मेरे को एक चीज़ चाहिए था जो कि था मेरा, हाँ ये बुक शेल्फ, ठीक है। इसको वापस फिर मैं यहाँ पे मैं क्राउच करके इसको लगा देता हूँ ताकि जल्दी खुले ना, प्रॉब्लम ना हो। चलो ये हो गया हमारा इतना काम, अब चलते हैं वापस अपने बनाने के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री खाली कर लिया है। अब इससे पहले तो मैं इसे थोड़ा सा क्लियरिंग करने वाला हूँ एरिया, तो क्योंकि मस्त बनने वाला है। डायमंड पिकेक्स से करेंगे आज वो नहीं। अरे क्या खुल गया, ओहो क्रिएटिव मोड क्यों खुलवा रहे हो भाई। इसको करता हूँ बंद, अब मैं इसको खोल खोदता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो एरिया भी रहेगा, एरिया को भी ना अच्छा बनाना है भाई अगर, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसका स्पेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हवाएं बनने वाला है, हवा में इसकी जो वो होगी बनेगी, इसलिए इसको मेरे को कुछ उस टाइप का नहीं बनाना है। उसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इगड़िया, हाँ इतना सही है। इन छोटी छोटी चीज़ों को उखाड़ देता हूँ, बेकार का यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले एक हॉर्स को स्पॉन करके उसको पकड़ के अपने अपना पालतू हॉर्स बना लेते हैं। यार ये तो पेगासस, इसका नाम रहेगा पेगासस, ये डिस्पॉन नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं इसे माउंट कर लेता हूँ, अपने इन्वेंट्री खोलता हूँ, यहाँ से एक सैडल पकड़ता हूँ, शाडल। अबे भाई ठीक है, अबे यार भागना पड़ेगा। अरे यार तुम गाड़ी तो, अरे भाई क्यों पागल हो रहा है, ये हवा चढ़ने नहीं दे रहा मेरे को। अरे भाई चढ़ने दे दे प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं टिपते रहूँगा जब तक माउंट नहीं करवाता तू मेरे को। दे छोड़ो भाई, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। अबे यार इसकी तो यहाँ पे तो गाय भैंस इतनी आती है भाई, मतलब क्या है यहाँ पे, मेरे घर गाय खाना बनाए हुए यार, खटाल है हाँ, खटाल हो रही है। अब मेरे घर के अंदर घुसी ना तेरे की, तो निकल यहाँ से, चलो ख़त्म। अब मेरे को उसकी ज़रूरत, अरे भाई इससे इससे सब बीट छोड़ो भाई, मेरे को बीटिंग नहीं करनी है, इसको भी कुछ नहीं करना है। अब जो आपस अपने जो इन्वेंट्री में जो हम लोग को सब सामान चाहिए वो ले लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को चाहिए एक थोड़ी सी कुछ ग्लास की तो ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, फिर ये बंद करो,
उस स्टोन्स कॉबल ये वाला स्टोन्स लेते हैं तो उसका डिज़ाइन अच्छा लगेगा। ये ले लिया स्टोन्स, अभी जितना काम था मैंने उतना सामान जो लेना था वो अभी ले रहा हूँ, छोटा मोटा जो नीचे का काम रहता है। एक नहीं भाई यहाँ पे घर के बगल में ऐसे बने, नहीं यहाँ पे बनेगा मस्त रहेगा, यहाँ पे भाई बनाना मस्त ऐसा ही रहेगा। एक दो इसका तो बेस होगा ये कुछ इस तरीके से रहेगा, 3 4 यहाँ पे इसको नहीं करना, ये 5 इतना कुछ करना है कुछ इस तरीके से। इसको ब्रेक करो, इसको यहाँ पे लगाओ, इसको यहाँ पे लगाओ, इसको यहाँ पर ऐसे लगा दो, ये हो गया। आपको कुछ इस तरीके से रखना है इसको, 1 2 3 इसको आपको पूरा 3 ब्लॉक से उसको अपग्रेड करना है, और यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे सबको अपग्रेड कर देना है। अरे ऊपर नहीं जाना था भाई, मतलब जो अगले वीडियो जो आएगी गाइस रूट थर्ड वॉर्स पे मैं नहीं बना सकता, चाहता हूँ बनाना लेकिन नहीं बना पाऊँगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लमेटिक ऐसा चलता है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए अगली वीडियो भी इस माइनक्राफ्ट में जाएगी। अगली वीडियो आई डोंट नो कब तक आने वाली है, मेरे को पता उतना श्योर नहीं हूँ यार। वो 4 ब्लॉक्स तक अपग्रेड हो गया, ये 3 3 ये 4 ब्लॉक्स तक अपग्रेड हो गया, तो वो सेम हाइट की नहीं चाहिए, इस ये सब ओवर जाएगा, ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन एक बार मैं काउंट भी कर लेता हूँ, 1 2 3 3 3 सब सेम है, सही है। अब मेरे को यहाँ पे ब्रेक करना है इसको, यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे चेस्ट रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे, कहाँ गया चेस्ट, चेस्ट चेस्ट चल मिल गया चेस्ट। यहाँ पे ग्लास की जगह रखना है, अब यहाँ पे डबल एक डबलिंग चेस्ट डबल चेस्ट बन रखने वाला हूँ, देखिए क्योंकि इसमें बड़ा चीज़ होने वाला है, मैं उड़ के सीधे इसके अंदर चल जाता हूँ क्योंकि मेरे को अभी इसमें बहुत। अरे यार आउटिंग नहीं क्या, अरे हट भाई हट। चलो ये आ गए हम लोग यहाँ पे, इसको ब्रेक करना है। मेरे को चाहिए हॉपर्स जो कि मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे, हॉपर 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 चलो हो गया, हॉपर्स हो गए। अब इसको क्राउच करके मेरे को इस पर लगाना है, इस पर लगाना है, नहीं इस पर लगा क्या, नहीं इसमें नहीं, हाँ इसमें लगा, इसमें अटैच करके, इसमें अटैच करना है, इसमें अटैच करना है, इसमें अटैच, इसमें अटैच, इसमें अटैच, इसमें अटैच, इसके ऊपर जंप करके हम लोग अब वापस। अभी कोई डांस कर रहा था क्या, पिग। अरे अच्छा बस को वापस मैं फिक्स करने जा रहा हूँ, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे अटैच, ये हो गया हमारा इतना काम। सबसे पहले मैं इसको बजाने चलता हूँ, उसकी बैंड बजेगी। चलो भाई तुमको यहाँ पे मेरे को यही तुम्हारे यही एक काम ही है यहाँ पे रहने का। अच्छा मैं इसका ये निकलवा लेता हूँ। अरे नहीं 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 यहाँ पे नहीं, ऊपर चाहिए एक। चलो ये स्वॉर्ड रखना है, निकल पहली फुर्सत में निकल। अब लो भाई तुम, चलो हॉपर मेरे को दे दो, हो गया तुम्हारा काम, काम खत्म। और तुम तलवार ऐसे लिए हुए तो वैसे ही रखो, अब मेरे को जाने दो यहाँ से। ये हो गया हमारा इतना काम, ये बन गया इतना। अब आपको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्टोन्स रखने हैं, तो बीच ये एक यहाँ पे मतलब इसको फुली ऐसे कवर कर लेना है। अरे भाई ऐसे नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके मतलब इसको फुली कवर कर लेना है गाइस। अभी मैंने इतना तो कंप्लीट कर लिया है, अब आपको जो ये वाला ना इसे मेरे को उसमें 9 बाई 9 का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उसको यहाँ से करना है 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया ठीक है। अब कुछ इस तरीके से भी 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई मैंने गलत प्लेस चुनी है क्योंकि बहुत बड़ा होना है, मेरे घर के अंदर घुस जाएगा। छोड़ो भाई इसको मैं यहाँ से हटाना, मेरे को पूरी ब्रेक करना पड़ेगा, बहुत बुरा लग रहा है यार, मेरी जगह ही गलत चूज़ कर रहा था। अब मेरे को यहाँ से वापस इसको पूरा ब्रेक करना पड़ेगा, मैं जगह देख दिखा तो प्रॉब्लम हो गई, बुरा लग रहा है यार। इतना बन गया था, इतना मस्ती से बना रहा था इसको, पूरा मेरा मूड बिगड़ गया। इसको फुल्ली ऐसे ब्रेक कैसे करना पड़ेगा, लेकिन गेम की जो फिजिक्स है ना वो थोड़ी सी मस्त है, मतलब हवा में स्टोन अटक रहा है, और यही अगर रियल लाइफ में करूँगा तो किसी का सर फूट जाएगा। स्टोन का जो पूरा स्टोन भी एकदम गोल एकदम स्क्वायर्ड रहता है, हम लोग का रियल लाइफ देखो पूरा मतलब क्या ही डिज़ाइन रहता है हम लोग वाले में, तो एक्चुअली हम लोग वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी मैं इसको पूरा मैं इसको बिना पूरा इसको सेटअप को बिगाड़ना पड़ेगा। दैट गाइस अभी मैंने जो जगह था वो फ्रंट एरिया से बैक एरिया में कर दिया है,
और अभी मैं इसको वापस आगे बढ़ाने वाला हूँ, जो इतना मैंने अभी किया हुआ था वो वापस मैं इसको कैसे कंप्लीट कर ले रहा हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। इस बार मैंने सही जगह चूज़ किया है जहाँ पर मेरे को बनाना चाहिए भी, क्योंकि घर के फ्रंट में बनाना सही रह रहता है। ये हो गया कुछ इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से ऐसे इसको फुली ऐसे कवर कर देना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब ये लास्ट 1 2 3, ठीक है। मैं इसको जानबूझ के ऐसे कवर कर दिया था, फिर छोड़ो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इसको कवर करने की, इतना ही चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ से फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दिए 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 हो गया इधर। अब 9 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी इसी तरीके से मेरे को इस साइड भी करना है 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाना है। गाइस अभी मैंने इतना फुल्ली ऐसे कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं अब इसको पूरा ऐसे फुल्ली यहाँ पे वर्किंग बनाने वाला हूँ। अरे ये वाला एक्सल इतने छोटे से पानी में कैसे आ सकती है यार। अच्छा तुम जाओ पानी में रहो, तुम्हारी तो पानी में रहो। गाइस अभी मैंने इसको फुल्ली यहाँ पे एक बेस टाइप का बना दिया है, मतलब इसको ये 9 बाई 9 का एक बेस रहेगा, और यहाँ पे इसको 2 ब्लॉक्स तक हाइट को आपको ऊपर करना है। और ये हो गया, अब यहाँ पे आपको लावा ना ऊपर आ जाए इसलिए आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको 2 ब्लॉक्स तक ऐसे करना है ना, आपको यहाँ पे लगाना है आपको वो साइन बोर्ड्स, ठीक है। साइन बोर्ड आपको हमको यहाँ पे हम लोग को यहाँ मिल जाएगा, इसमें भी शायद मिल सकता है, इसमें होता है क्या? नहीं, इसी में कहीं होता है। ये रहा साइन बोर्ड, इसको हम लोग को ले लेना है यहाँ पे चेस्ट के जगह। अब यहाँ पे मेरे को नीचे इसको लेके जाना है 1 2, मतलब इसे कुछ लिख आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये हो गया यहाँ पे कुछ, अरे भाई जरूरी हो गया, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं लिखने के लिए, इसे गलती से लिखा गया था। अरे यार एक्स भी नहीं लिखना, हटो। अब यहाँ पे लावा आई थिंक नहीं आएगा, उड़ के चेक कर लेता हूँ। 3 ब्लॉक्स भी यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि, नहीं यहाँ पे लग ही नहीं सकता, मतलब ये फुली सेफ हो गया। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ से ऐसे लावा गिरा देना है ताकि ये फुली सेफ बन जाए लावा, ताकि आयरन कॉलम इसमें स्पॉन हो और वो जल के यहाँ पे राख बन जाए। अभी इसके नीचे भी जाए जाएगा, इसको फुली यहाँ से फैला देना है। अरे भाई उठ जा भाई, जल जाएगा। ये हो गया हमारा लावा का प्रॉब्लम फिक्स, ये हो गया हमारा इतना प्रॉब्लम। अब हम लोग को बनाना है यहाँ पे वाटर बकेट, ले लेना है हमें, ले लेना है वाटर बकेट्स, यहाँ से गिराना है, यहाँ सॉरी यहाँ से गिराना है। अब मेरे को इसको यहाँ से ऐसे करना है कुछ जोर से, यहाँ पे ये हो गया इतना हमारा। अब इसको यहाँ से सिर्फ सिंपली ऐसे प्ले करते जाना, यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ से गिरा देना है। अब हमें यहाँ से इसको ऐसे करके यूज करके, और नहीं, ओवर हो जाएगा पानी, ऊपर चलेगा पानी, ओवर हो जाएगा। यहाँ से भी उनको थोड़ा सा वाटर बकेट, एक नॉर्मल बकेट लेना पड़ेगा पास, इसका पानी ओवर, पानी यहाँ से जो ओवर हो गया है इसको उनको यहाँ से निकालने के लिए। चलो ख़त्म। अब यहाँ से इसको, यहाँ से हमको ब्रिक्स नहीं चाहिए, ब्रिक्स नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको लेके जाना है कुछ इस तरीके से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे गिरा देना है। अरे अरे भाई 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 भाई, पानी पूरा लीक कर गया यहाँ से यार दत्त। आई थिंक मेरे को नहीं, यहाँ पे वापस एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब ख़त्म पानी, चलो चला तो गया कम से कम पानी, पानी तो अभी भाई मेरे को जान ही ले रहा था यार। अब मेरे को उसको वापस यहाँ से कंप्लीट कर देना है, जैसे मैं उस साइड करते हुए आया था वैसे ही मेरे को इस साइड भी ऐसे करना है कुछ तरीके से इसको फुल्ली ऐसे करते जाना है। बीच में जो यार है इन सबको मेरे को फिक्स कर देना है,
ऐसे ऐसे गिरा देना है इसको, मतलब एकदम नॉर्मली बना देना है ताकि एकदम सेम हो जाए। अरे भाई लावा, अरे यार ये क्या से हो गया, ऊपर हो गया का पानी भाई दत्त। अरे यार गाइस अभी तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक हो गया, इसमें ब्रेकिंग खराब तरह गलती से बन गया। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पूरा फैल रहा है, हमको पूरा नहीं फैलाना था, कुछ ज़्यादा ही मैंने फाटर कर दिया यहाँ पे। अब मेरे को उसको हटाना पड़ेगा फुल्ली अब, लेकिन अगले अगले पार्ट में हम लोग उसको फुल्ली ठीक कर देंगे। इसलिए आप देखते बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और आज की वीडियो के बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।